वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट जबरदस्त से चिकन फिंगर पकोड़ा बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ लंबी लंबी कटी हुई 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास चिकन ब्रेस्ट है, तो उसमें अब हम कुछ मसाले डाल देंगे यानी 1 किलो के आसपास है। तो चले झटपट बनाएंगे और ज़बरदस्त से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें डालेंगे 1-1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। अब हमारे पास यहाँ है 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, इसको मिक्स करेंगे। मिर्चें आप पर है, अगर आप चाहें तो कम डाल दें, चाहे तो ज़्यादा डाल दें। इसको भी डाल देंगे, छिड़क देंगे। और 1 नींबू का रस ये डालेंगे। चलिए ये हो गया, इस पर अच्छे से लगा देंगे। अब ये चाहें तो आप एडवांस में भी करके रख सकते हैं फ्रिज में, लास्ट मिनट पे करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं अभी कर लूँगी और अगर चाहें तो उसी वक्त कर लें। चले चिकन बड़ी खुश खुश हो गई है जिंजर गार्लिक नमक नींबू और लाल मिर्च में, तो अब इसको हम करते हैं ज़रा साइड में और हम बनाते हैं इसका बैटर। बैटर के लिए एक बोल लेते हैं और बोल में डालेंगे हम 1/3 कप कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लोर या अरारोट पाउडर आप कह लें क्रिस्पी और करारे बनाने के लिए, 1/3 कप बेसन और 1/3 कप चावल का आटा। अगर चावल का आटा नहीं मिलता है तो उसको स्किप करें, क्रिस्पी करारे कॉर्न स्टार्च के साथ भी बन जाएगा, ठीक है। तो चलें इसको मिक्स करते हैं और अदरवाइज ग्राइंडर में ग्राइंड करके भी चावलों का आटा बड़ा इजीली बन जाता है। चले अब इसमें हम डाल देंगे कुछ चटपटे मसाले, जो कि कुछ यूं है कि 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी। तो चले ये चला गया और अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा और 2 टीस्पून भुना कुटा धनिया। यहाँ जाएगा हरा धनिया 1 मुट्ठी, 2 टेबलस्पून जाएंगे दही, 2 टेबल स्पून चले इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसका हम बहुत थिक सा बैटर बनाएंगे, तो डिपेंड्स आपके दही पे भी है, अगर दही में पानी ज़्यादा है तब आपको पानी कम डालना होगा, और मैं डालती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि कितना डाला। तो देखिए हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए काफ़ी थिक, तो हमने पानी यूज़ किया है ऑल टुगेदर 1 कप लिया था, जिसमें से 2 टेबलस्पून के आसपास बचा है। तो चले अब हम क्या करते हैं, अपनी चिकन लेते हैं और इसमें डालते हैं आधी पानी, इसके चिकन के भी रिलीज होंगे। और दूसरा ये कि यहाँ हमने तेल रख दिया है जिसकी हीट अच्छी सी आ रही है, तो अब आप हाथों से चाहें कि स्पोक से चाहें जिससे भी आप इसको मिलाएं। अगर सारी चिकन डाल देंगे तो क्या होगा, पानी पानी ज़्यादा हो जाएगा। तो चले ये ले लेके डालना शुरू करते हैं। ये चाय के साथ भी बड़े अच्छे लगते हैं, स्टार्टर एज ए स्टार्टर भी बड़े अच्छे लगते हैं, बारिश के मौसम में भी बड़े अच्छे लगते हैं। चूल्हा हमारा मीडियम पे है, देखिए 10 मिनट हो गई है हमने हाथ ही नहीं लगाया, तो अब हम इसको पलटते हैं।
बस जो जुड़वा हो उसको सिंगल सिंगल करना है, क्योंकि ज़ाहिर है बेसन है ना, जब हमने डाला है कोई चीज़ करीब है तो, लेकिन जब वो क्रिस्पी हो जाएगी तब हम उसको सेपरेट कर लेंगे। देखें 9-10 मिनट हो गई है, अब इसको हम निकालना शुरू करते हैं। जो पहले डाले हैं वो पहले निकाल लेते हैं। चले ये लास्ट भी हमारा आ गया, बस टेम्परेचर को थोड़ा सा हाई कर देंगे। चले अब ये वाली चिकन डाल देंगे। और अब हमारा टेम्परेचर भी दोबारा वैसा ही आ गया है, तो चले डालना शुरू करते हैं। देखा आपने कितना मज़े से, कितना इजीली ये बन रहा है, झटपट। और फिर मेन कोर्स भी बन सकता है कि भाई पेट भर लिया, खा लिया, और एपेटाइज़र भी और चाय के साथ भी बड़ा मज़े का लगता है। आप कहेंगे इतना अरसा हो गया, रूबी आंटी ने कहा नहीं पकौड़े वाली 10-10 रुपए ले लो, बल्कि मैं तो 10-10 रुपए के किलो दे रही हूँ आप लोगों को। कौन आ रहा है बताओ। चले चले बड़ा खूबसूरत सा कलर आ गया है, चूल्हे को करते हैं बंद। तो हमने एक साइड पे तकरीबन 8-10 मिनट किया, दूसरी साइड पे भी 8-10 मिनट किया है, क्योंकि चिकन जो है वो कच्ची थी ना, तो बड़े अच्छे से करना है। तो देखा कैसे झटपट हमारे जबरदस्त से चिकन फिंगर पकौड़ा बन गया। और अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए कैसे क्रिस्पी लग रहे हैं। आवाज सुनाई दे रही है? तो अब मैं आपको काट के भी बताती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। ये देखे है ना गजब के। देख क्रिस्पी, और अंदर से देखे कैसा खतरनाक सा पका हुआ है। अदरक लहसुन डाल दिया था और नींबू वगैरह, थोड़ी सी मिर्च वगैरह, तो फ्लेवर भी है उसमें, और बड़ा खतरनाक से लग रहा है, मानते हैं आप? अब आप लोग जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं, धमाल मचाएं। एपेटाइज़र के तौर पर रखें, चाय के साथ रखें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, मिर्च वगैरह हटा के। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।